नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। अयोध्या जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के निर्देश पर पार्टी में जान फूंकने के लिए स्थानीय स्तर पर पार्टी पदाधिकारियों को कमान सौंपी गई है। पार्टी का जिला अध्यक्ष युवा कार्यकर्ता सिंपल सिंह को बनाया गया है। युवाओं को संगठन में शामिल कर पार्टी को धार देने का प्रयास किया गया है। पार्टी की युवा संगठन की युवा प्रधान सचिव संतोष सिंह कलुषवा, उपाध्यक्ष आदर्श सिंह बने। इसी प्रकार सचिव सुमित सिंह, सचिव विजेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष मिल्कीपुर अभिषेक सिंह, सचिव मनीष कसौधन, सुहावल ब्लॉक अध्यक्ष विकास सिंह, उपाध्यक्ष रविराज निषाद, प्रिंस सिंह को ब्लॉक सचिव बनाया गया है। पार्टी जिलाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जेडी ने युवा पदाधिकारियों को क्षेत्रों में पदानुसार रचनात्मक प्रयास कर पार्टी मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर कार्यक्रम कुंवर मैरिज लॉन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के पदाधिकारी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस धरती पर शहादतगंज में कुंवर मैरिज लॉन में अयोध्या जिले के नौजवान साथियों को, युवाओं को जनसत्ता पार्टी की युवा कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाई विनीत सिंह सिंपल, भाई संतोष सिंह कल्लू, भाई आदर्श सिंह जी को पदाधिकारी बनाया गया। ऐसे तमाम पदाधिकारी बनाए गए। हमने लगभग 11 पदाधिकारियों का चयन आज किया है यहाँ पे, यहीं कुंवर मैरिज लॉन में। इन लोगों को मैंने रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की रीतियों नीतियों के बारे में विधिवत बताया है। इन लोगों ने यह आश्वस्त किया और आश्वासन दिया है कि मैं रघुराज प्रताप भैया राजा भैया के बताए निर्देशों का पालन करूंगा और जनसत्ता पार्टी के लिए तन मन धन से पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। मुझे इस पद पे भैया जेडी सिंह जी ने, जिला अध्यक्ष भैया ने जिला अध्यक्ष बनाया है, और हमारे साथ कल्लू भैया हैं, काफ़ी 11-12 पदाधिकारी और बने हैं। मैं यही कहूंगा कि आने वाले समय में पार्टी को अयोध्या विधानसभा में बहुत अच्छी मजबूती दिया जाएगा, जिले में अयोध्या में। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।